बदमाश रेवाड़ी को दहलाने में जुटे हुए हैं और पुलिस बदमाशों को वारदात के बाद सिर्फ ढूंढने का काम कर रही है। पुलिस का सुस्त रवैया लोगों के लिए दहशत की वजह बना हुआ है और अब तो रेवाड़ी शहर के पौश इलाके में भी लोग सुरक्षित नहीं हैं। शहर के सेक्टर 3 में कॉम्प्लेक्स के पास सोमवार देर रात बाइक पर आए दो बदमाशों ने एक फाइनेंसर की गोली मारकर हत्या कर दी। 40 साल का विशाल शर्मा फाइनेंसर का काम करता था। सोमवार की देर रात वो रात बाइक पर सेक्टर 3 जा रहा था। उसके पास बैग में करीब 6 लाख रुपए की नकदी थी। सेक्टर 3 मार्केट के पीछे गली में पहुंचा तो बाइक पर आए दो बदमाशों ने उसकी बाइक को टक्कर मार कर गिरा दिया। नीचे गिरते ही बदमाशों ने पिस्टल निकाल कर विशाल पर गोली चला दी। एक गोली उसकी छाती में लगी और उसके बाद बदमाश उससे नकदी से भरा बैग छीन कर फरार हो गए। तो वहीं इस वारदात के बाद रेवाड़ी शहर में हड़कंप मच गया और एक बार फिर पुलिस जनता के निशाने पर आ गई। ये विशाल शर्मा जो गांव संगवाड़ी का रहने वाला है, जो फाइनेंस का काम करता है, जो सेक्टर 3 की मार्केट में ये फाइनेंसर एक मोटरसाइकिल पर अपने साथ 6 लाख रुपये लेकर जा रहा था, तो दो अज्ञात व्यक्तियों ने उस पर फायर किया और उसे 6 लाख रुपये ले गए। तो जो इसी संबंध में इसे मॉडल टाउन थाना में मुकदमा दर्ज किया गया है और इस संबंध में हमने 4 टीमें गठित की गई हैं। अभी पुलिस को इस मुकदमा के संबंध में बहुत ही अहम सुराग मिले हैं, जल्द ही दोषियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वारदात की सूचना के बाद पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया। मामले को लेकर पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। अंदेशा लगाया जा रहा है कि बदमाशों को फाइनेंसर के पास लाखों रुपए की नकदी होने की जानकारी थी। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि मामले को लेकर पुलिस कब तक अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचा पाती है। रेवाड़ी से महेंद्र भारती, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।